आप लोग ऐसे चार दो कॉलम बनाइए, दो कॉलम बनाइए, इधर का कॉलम ऐसा, ये और पहले तो इसे लिखिएगा कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर के घटक या कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। इससे आप लोग जितना स्टार कर सकते हो करो, ट्रिपल स्टार करो, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। 5 to 6 टाइम पूछा जा चुका है, नियर फ्यूचर में फिर से पूछा जाएगा। पेपर उठा के देखिए, शायद ही कोई पेपर ऐसा दिखेगा, 2-4 पेपर उठा के देखेंगे जिसमें ये पेपर ना, ये क्वेश्चन ना दिखे। जनरल साइंस में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, उधर टेक्नोलॉजी में भी आता है। तो जो जो चीज़ लिखा है वही चीज़ लिखेंगे। तो पहला हम लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं फ्यूल से। फ्यूल यानी ईंधन। दूसरा शील्ड यानी कि परिरक्षक। तीसरा कूलेंट यानी कि शीतलक। उसके बाद मॉडरेटर यानी कि मंदक। उसके बाद हमारे पास आता है नियंत्रक ऑब्लिक अवशोषक छड़, इंग्लिश में कहें तो कंट्रोलिंग और एब्जॉर्बिंग रॉड। चलो इसको आप लोगों को लिखना है। पहला जो चीज मैंने सीक्वेंस नोट कराया था, लिख लिए इधर, इधर लिखिए। सबसे बेस्ट फ्यूल क्या बताया था, इसे पहली लिख के पहले समझिए, लिखने का प्रयास करिए, क्या पता आपको अभी भी लर्न हो जाए आपसे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। यूरेनियम 235 इज द बेस्ट, उसके बाद प्लूटोनियम 239 सेकेंड, उसके बाद तीसरा क्या है आपका, क्या है, यूरेनियम 238। फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन है आपका यूरेनियम 233 जो उसका एक आइसोटोप है। उसके बाद क्या है, थोरियम 232, ये आपका क्या है, नेक्स्ट वन है। ये सबसे बेस्ट फ्यूल है, ये सीक्वेंस है, ठीक। इसे तो अलग से आप स्टार कर लो, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। चलो शील्ड में क्या यूज करते हैं, रीइंफोर्समेंट सीमेंट क्रांकेट। सीमेंट क्रांकेट यूज किया जाता, शक्तिशाली सीमेंट क्रांकेट। और क्या यूज किया जा सकता है, स्टील यूज किया जा सकता है। स्टील क्यों यूज किया जाता पता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बहुत ज्यादा होता है। लोहे को कितने में गला सकते हो बताओ, कितना डिग्री सेल्सियस गला सकते हो, देखो 100 डिग्री में पानी उबल जाता है, लेकिन मैं यहां लोहे की बात कर रहा हूं, आयरन की बात कर रहा हूं। आयरन का एक रॉड है, उसको मेल्ट करना, गलाना है पानी जैसे, तो कितने में करोगे, कम से कम हमको 1000 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाना पड़ेगा। आप लोगों, आपके सिलेबस में है केमिस्ट्री में ब्लास्ट फर्नेस, वात्या भट्टी है, कॉपर की मेटलर्जी आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि वो बड़े क्वेश्चन 15 नंबर और 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इस साल आया है कॉपर आयरन, कभी 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 का आप कॉपर पूछता है, कभी आयरन पूछता है, इस बार कॉपर पूछा हुआ है। तो इसमें आप लोगों को समझना है कि 1200 टू 1600 डिग्री सेल्सियस जब देते हैं तो लोहा पूरा पानी जैसे हो जाता है, ठीक। तो लोहा में अगर हम कार्बन निकिल क्रोमियम जैसी चीजें मिला देते हैं तो स्टील बनता है। तो स्टील का मेल्टिंग पॉइंट और ज्यादा होता है, वो 5000 डिग्री सेल्सियस की चीज को भी सहन कर लेता है, वो जो बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए उसका शील्ड यानी चारों चेंबर के चारों तरफ का जो हमारा जो परिरक्षक या सील या जो कोटिंग था, जो आवरण था, जो सराउंडिंग था, वो इससे बनाया जाता है, ठीक है, समझ में आया। चलो कूलेंट में क्या यूज करते हैं, तो एक तो सामान्य पानी, सामान्य जल,
ठीक है, नॉर्मल वाटर। दूसरा हैवी वाटर यानी कि भारी जल। हैवी वाटर को क्या कहा जाता है, D2O कहा जाता है, D2O, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड। जैसे H2O क्या है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड है ना, H2O, तो हाइड्रोजन को के का हम आइसोटोप यूज करते हैं D2O, ड्यूटेरियम, तो D2O इसलिए कहा जाता है। और क्या यूज करते हैं, लिक्विड सोडियम यूज कर सकते हैं, लिक्विड सोडियम यूज कर सकते हैं यहां पर, ठीक। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन देखिए, यहां पर मॉडरेटर के तौर पे क्या यूज करते हैं, तो मॉडरेटर के तौर पे यूज क्या करते हैं, तो हमारे पास ये जो हैवी वाटर है ना, इसको एज इट इज इधर भी लिख लो आप लोग, भारी जल D2O इसका भी काम करता है, ये क्या है, मॉडरेटर का भी काम करता है। और क्या है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी क्या है आपका, मॉडरेटर के तौर पे यूज होता है। और यूज होता है बेरिलियम डाइऑक्साइड, BE2O, बेरिलियम डाइऑक्साइड भी यूज होता है, बेरिलियम ऑक्साइड कहना चाहिए। तो ये क्या है आपका, यूज होता है BE2O। सबको समझ में आया, ठीक। अच्छा इधर देखिए, कंट्रोलिंग रॉड में क्या यूज होता है, तो मैंने कहा बोरान, कैडमियम, बोरान कैडमियम का की रॉड्स की छड़ें, बोरान कैडमियम के रॉड्स यूज होते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, कोई डाउट तो पूछ लो, किसी का फंक्शन देखो, इसमें आप लोगों को याद रखना है, इनके वर्डिंग्स को देख के आप पहचान जाना, इसी में आंसर क्लू छुपा होगा। शीतल करना, ठंडा करना, तो पानी वाला केस आएगा। इधर भी देख लो लिक्विड आ रहा है, इधर भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, लेकिन जब हम मॉडरेटर यूज करेंगे तो यहाँ D2O भले यूज होता है मॉडरेटर के तौर पे भी, बट यहाँ पे ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड वगैरह यूज हो रहा है अभी साथ में, ये तो अलग ही है। इसे ऐसा कैसे याद रख सकते हो, बी और सी से याद रख सकते हो, बोरान का बी और कैडमियम का सी डी, बी सी डी ऐसा याद रख सकते हो, ताकि एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और ये तो अलग से याद रखेंगे, और ये जान ही रहे आप।